किसान भाइयों, अमूमन किसान भाई अपने जो पशु है उनके लिए आपको कृमिनाशक दवाइयों का उपयोग करना जरूरी है, क्योंकि पशुओं के अंदर पेट के अंदर विभिन्न प्रकार के कीड़े रहते हैं, चारे की फसलों के ऊपर से उनसे पेट के अंदर आ जाते हैं और वह हानिकारक प्रभाव करते हैं। उनको हटाने के लिए आप किसान भाई एक प्रकार की यह नीलवरम बाजार के अंदर खूब आती है तो नीलवरम का यूज कर सकते हो, और या एल्बेंडाजोल टैबलेट आती है बड़ी सफ़ेद कलर की, उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। गाय या भैंस है अगर जो बिना ज्ञापन है उसको वह बड़ी टैबलेट देनी है, अगर गाय भैंस ज्ञापन है तो उसको लिए आप फेनबेंडाजोल डॉक्टर की सलाह से वो टैबलेट लेके आइए, और हर 6 महीने के अंदर बड़े पशुओं के अंदर अवश्य रिपीट करिए, और बकरी है और भेड़ या बकरी या मुर्गियाँ इनके अंदर आपको हर 3 महीने के अंदर इस नीलवरम दवाई की या एल्बेंडाजोल फेनबेंडाजोल पिप्राजिन जो लिक्विड फॉर्म में दी जाती है उसको पिलानी चाहिए, जिससे पशु का वजन भी ज़्यादा बढ़ेगा, पशु की ग्रोथ भी अच्छी होगी और उसके सेहत के अंदर भी काफ़ी सुधार होगा, और डीवर्मिंग का भी अपने आप के अंदर पशुओं का रोल होगा और पशु की ग्रोथ अच्छी होगी, पशु टाइम पर ब्याएगा और किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। इसलिए अपने पशुओं में डीवर्मिंग दवाइयों का अवश्य उपयोग करना चाहिए। धन्यवाद।